नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल गाने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस समय मीत हुड्डा की। तो मीत हुड्डा ने बोल दिया है मनमीत के भाई से कि भाई तुम्हें चाहिए क्या ये बताओ, जिसके बाद में मनमीत के भाई ने इस समय मीत हुड्डा से 50 करोड़ रुपये मांगे हैं। मीत हुड्डा ने बोल दिया है कि एक बात बताओ कि मैं 50 करोड़ रुपये तुम कहाँ से लाऊँगी, मेरे पास में कहाँ है, जिसके बाद में बोल दिया है कि तुम अपनी दवाई की फैक्ट्री बेच दो और मुझे 50 करोड़ रुपये दे दो तभी मैं मानूंगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय यशोदा की निकलने की कीमत बहुत तगड़ी तरीका से मांगी है, क्योंकि दोस्तों आरोप तनमन नहीं बल्कि इस समय बहुत ज़्यादा गंदी तरीका से आरोप लगाया है। हालांकि दोस्तों इस समय मीत हुड्डा ने भी बोल दिया है कि चाहे ये लोग कितने भी तेज बन रहे हैं लेकिन इनका तेजपन ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, ये भी एक रियलिटी ही है दोस्तों। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो कर रहे हैं ये लोग वो बहुत ही ज़्यादा घटिया और बहुत ज़्यादा गिरा हुआ काम कर रहे हैं, इनका ये काम बिल्कुल भी सफल नहीं होने वाला। क्योंकि इधर मीत हुड्डा का मानना साफ साफ ये है कि शगुन की बहकावे में जो आकर आखिरकार यहाँ पर गेम खेला जा रहा है वो पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी एक और भी नया ट्विस्ट लाती हुई नज़र आने वाली है। क्योंकि साफ साफ मनमीत ने जो बोला है, मनमीत ने ये बोल दिया है कि मीत ना हम कभी हार माने थे और ना हम कभी हार मानेंगे, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ हम एक्शन फिर लेंगे एक बार फिर से। क्योंकि दोस्तों एक रियलिटी है, एक जज्बात है, वो पूरी तरीक़ा से अभी भी कायम रहने वाला है दोस्तों। क्योंकि शगुन को एक्सपोज करना इस समय कितना ज़रूरी बन चुका है, शगुन को इसलिए ही एक्सपोज किया जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक